कौन आओ आप मन जो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, कर लो भाई। मैं हूं बेयर ग्रिल्स। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर किस तरह से जिंदा बचे रह सकते हैं। मैं उन जगहों पर पूरे हफ्ते भर तक चुनौतियों का सामना करूंगा जहां सही हुनर जाने बिना आप एक दिन भी टिक नहीं सकते। इलाके पे अभी मैं जा रहा हूँ आधिकारिक रूप से वो दुनिया का सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है जहाँ इंसान सही हुनर के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अभी तो मैं अपने हेलीकॉप्टर में हूँ लेकिन अभी हेलीकॉप्टर के ड्राइवर ने बताया है कि हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग गया है। इसलिए मुझे अभी तत्काल यहीं से कूदना पड़ेगा। अगर बच गए तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो वीडियो यहीं खत्म। बड़ी खतरनाक लैंडिंग थी मगर मैं बिल्कुल सही सलामत हूं और अभी यहां रुकने का वक्त नहीं है। करीब करीब आधा वियतनाम जंगल से ढका है। इन जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे काफी घनी झाड़ियां हैं और ये जंगल इतने घने हैं कि यहां आप कुछ मीटर तक ही सांस ले सकते। अभी मुझे जंगल में आगे बढ़ने से पहले एक हथियार बनाना पड़ेगा ताकि मैं ये जंगल में खतरनाक जीवों से अपनी रक्षा कर सकूं। उसके लिए मुझे एक हथियार बनाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से जल्दी अपना एक हथियार बना लूं ताकि मैं आगे सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ सकूं। बस एक चाकू है जिससे मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूं। मगर इन घनी झाड़ियों में ऐसी किसी भी चीज को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। मेरे गाँव में MJ मंजल सर हमेशा कहा करते थे कि आवश्यकता ही आविष्कार का सबसे बड़ा मंगनी का धंगनी है, इसलिए मैं हमेशा उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उनकी बातों को ना मानकर सबसे बड़ा सही काम किया है, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप का भी सुनता है। और ये तैयार हो गया मेरा हथियार, नाक खून चूसने वाले मच्छरों से बचाएगी। तो चलो दोस्तों। जंगल में चलते रहने से कभी कभी आपको अपने ऊर्जा का भी ध्यान रखना होगा, इसलिए जंगल में जो कुछ भी पाओ वो खा लो। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कहीं मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए ताकि मेरे शरीर में ऊर्जा की ताकत बरकरार रहे। यह देखिए, मुझे लग रहा है इस पत्थर के नीचे कुछ खाने के लिए मछली वगैरह मिलेगा, तो मैं यहाँ हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। अमेरिका की इस भीड़ जंगल में आपको जीवित रहने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध मिल सकती है। यहाँ आपको खाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में छिपकलियाँ, मेंढक और चींटियाँ मिल सकती हैं, और दोपहर लंच में पेड़ के छाल, मरे हुए बंदर की पूंछ और कीड़े मकोड़े भी मिल सकती हैं, और शाम को डिनर में आपको बिच्छियाँ और जहरीली सांप अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो, और खाने पीने के लिए गड्ढे का पानी और धोने के लिए पत्ते। और ऐसा मैंने इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग वीडियो में देखा था, मां कसम। इस जंगल में मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। मुझे एक ऐसी टहनी चाहिए जो मेरा वजन संभाल सके। जंगल में तो हर जीव इंसान को नोच खाना चाहता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। यहाँ का एक सबसे छोटा जीव अक्सर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। ये जंगल शरीर में मौजूद सारे संसाधन चूस लेता है, इसलिए जब भी मौका मिले आप अपने शरीर को खुराक दे दीजिए। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको किसी बड़ी अनोखी जगह पर भी खाना मिल जाएगा। तो गाइस, अभी कुछ ही देर बाद शाम हो जाएगी और रात होने से पहले मुझे सोने के लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो मैं कुछ ना कुछ करता हूँ ताकि मैं यहाँ रात अच्छी तरह से बिता सकूँ। कुछ सोने के लिए बिस्तर वगैरह बनाता हूँ। तो चलिए,
जंगल में जैसे ही शाम ढलती है शरीर में नई जान सी आ जाती है क्योंकि तब तापमान कम होने लगता है। लेकिन यहाँ भूमध्य रेखा के पास शाम जल्दी ढलती है इसलिए अंधेरा होने से पहले खाने और सोने का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। रात के वक्त जंगल की जमीन पर कई तरह के खतरनाक कीड़े और रेंगने वाले जीव घूमने लगते हैं। अगर आप यहाँ सोना चाहते हैं तो जमीन से कम फुट भर ऊपर एक झूला या बिस्तर लगा लीजिए। वियतनाम के ज्यादातर इलाकों में मलेरिया का प्रकोप है इसलिए यहाँ पर मलेरिया से बचना भी बहुत जरूरी है। हर साल दुनिया में करीब 10 लाख लोग मलेरिया से मारे जाते हैं। करीब 1.5 घंटा कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा झोपड़पट्टी महल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से बना हुआ है। तो और आज की रात मैं यहीं बिताने वाला हूं और मुझे लगता है यहां काफ़ी अच्छा नींद आएगा, अच्छी रात जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। मुझे बहुत प्यास लगी है पर पानी देखते ही उसे पीने लगना खतरनाक होगा। तो आप ये दृश्य देख सकते हैं, पानी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम इस पानी में अगर हम शक्कर मिला दें, क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म है, तो ये चाय बन जाएगी। मैं ये बात अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये देखने के बाद वो मुझे शाबाशी जरूर देंगे। इस जगह पर तो शायद ही कोई भटकना चाहे। मेरा सिक्स सेंस कहता है कि इस पानी के अंदर खजाना हो सकता है। मैंने हमेशा साउथ की फिल्मों में देखा है कि पानी के अंदर खजाने छुपे होते हैं। तो मैं फाइनली अपने ओवर कॉन्फिडेंस और लालच के साथ अपनी जान जोखिम डाल के इस पानी के अंदर उतरूंगा और ये खजाना निकाल के अपने साथ ले जाऊंगा। तो मुझे इस पानी में उतरने से पहले इस गड्ढे का अंदाजा लगाना होगा कि पानी कितना गहरा है। उसके लिए मुझे कुछ उपाय करने होंगे जो मैं अभी करने वाला हूँ। आप पानी में ज्यादा से ज्यादा बर्छे फेंक कर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के अंदर कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है। ये ग्लेशियर करीब 800 मीटर गहरा है और मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि बर्फ के इस नर्क में कैसा महसूस होता है। और फाइनली मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और इसके अंदर मुझे कीचड़ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा और मेरे पैर पूरी तरह से धंस गए हैं कीचड़ पे और निकलने का नाम नहीं, यहाँ बचने की संभावना है। मैं पानी की तलाश में एक पुरानी लावा ट्यूब में आया था पर अब एक परेशानी में फंस गया हूँ। म्यूला के किनारों से पानी निकल रहा है, अब मैं जल्द से जल्द इस लावा ट्यूब से निकलना चाहता हूँ। इस पानी से मैं कांप रहा हूँ और मैं अंदर तक गीला हो चुका हूँ। मेरे जूतों में भी बर्फीला पानी भरा है, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके हैं और मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। इस बहाव से मेरे फेफड़ों तक हवा भी नहीं पहुँच पा रही है, मेरा पूरा शरीर अभी पत्थर जैसा हो गया है। अब तो यहाँ से जाना ही होगा और मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा। अगर ये रस्सी नहीं होती तो मैं बचने की सोच भी नहीं सकता था। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल भरा, थकान देह और धीमा है, मगर यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक आखिरी पूरा जोर लगाना पड़ेगा। हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाऊंगा। मैं पहले तो अपने सारे कपड़े उतार कर इन्हें दोबारा पहनूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा ताकि शरीर में खून का दौरा फिर बढ़ सके। कोई भी मुझे इस हाल में देख के यही कहेगा, मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? आप हमेशा ऐसी चीज की तलाश में रहिए जो आपकी जान बचाने के लिए जरूरी हो। जान बचाने के लिए मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। कि अर्जेंटीना की सरकार ने इसे संरक्षित घोषित कर रखा है, मगर जब जान पर बनी हो तब आप इन्हें खा सकते हैं। मगर ये जंगल कहीं से भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि खाना ढूंढने के लिए इतनी ऊर्जा मत जलाओ जितनी कि तुम्हें मिले नहीं, और मैं उसका पालन करता हूँ। अगर आप अमेरिका के इस बेजर खतरनाक जंगल में आ रहे हो तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अन्यथा शायद मैं भूखा हूँ ना 3 दिन से, इसलिए मेरे पेट आवाज कर रहा है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर इस भीषण जंगल में आ रहे हो तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ ये क्या था बे,
चक्कर में आ गया शेर सर, प्लीज मुझे मत खाओ, आज मेरा उपवास है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ मारने नहीं आया था, मैं तो वीडियो बनाने आया था सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करनी है, पर इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि सहना मुश्किल है। इस वक्त नीचे का तापमान करीब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन ऐसी जगह को पार करने का भी एक तरीका है और वो ये है।